मादक पदार्थ डोडा चुरा मई स्विफ्ट कार सहित आरोपी को पकड़ने में बघाना पुलिस को मिली सफलता। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप एमपी 7 न्यूज। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बघाना विजय सागरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत 12 लाख रुपए मूल्य का 60 किलो मादक पदार्थ डोडा चुरा मई स्विफ्ट कार के जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। दिनांक 19 सितंबर 2024 को उप निरीक्षक एस चुंडावत द्वारा मई फोर्स के तेलनखेड़ी शमशान के पास सुबी तिराहा सादड़ी रोड बगाना पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ग्राम सुबी राजस्थान तरफ से एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया, जिसके पास आने पर उक्त वाहन को शासकीय वाहन को वाहन रोड के बीच में लगाकर वह हमरा फोर्स को रोड के दाएं बाएं साइड लगाकर घेराबंदी कर रोका। मौके पर शासकीय वाहन की लाइट व साथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी से वाहन को देखने पर एक सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार जिसके आगे नंबर प्लेट पर RJ27CK3456 की नंबर प्लेट लगी होकर कार चालक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति कार में नहीं दिखा। वाहन चालक पुलिस को देखकर हड़बड़ाने व घबराने लगा। पंचान व फोर्स के समक्ष उक्त कार के चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कैलाश पिता वर्दी चंद जाट उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम धमाना थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान का होना बताया। उक्त स्विफ्ट कार क्रमांक RJ27CK3456 को चेक करने पर कार के अंदर चार कट्टों में भरा 12 लाख रुपए मूल्य का 60 किलो मादक पदार्थ डोडा चुरा मिला, जिस पर आरोपी से उक्त डोडा चुरा मई कार के जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी कैलाश जाट के विरुद्ध अपराध क्रमांक 276/24 धारा 8/18 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से जब्त मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ व विवेचना जारी है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक SS चुंडावत, आरक्षक मनीष माली, आरक्षक महेंद्र पवार, आरक्षक राहुल चंदेल, आरक्षक ओम प्रकाश पारगी, आरक्षक चालक ओम प्रकाश यादव की सराहनीय भूमिका रही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।